हमारे चाइनीज़ ब्रदर्स जितने भी हैं, इतनी उन्होंने बड़ी ब्रेवरी से जो कुर्बानी दी है हमारे पाकिस्तान के लिए, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये काफ़ी टाइम से है ये ग्रेवयार्ड, और यहाँ पे हमेशा जब भी इनका ये डे आता है 4th, तो जो ये डेट आती है इस पे सब लोग चाइना से आते हैं, इधर से हमारे पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं। हम लोग स्पेशली ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये इवेंट, के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का ये मकसद है कि जो हमारे चाइनीज़ ब्रदर्स जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उनको हम खराज तहसीन उनका ऑनर कर सकें, और जितने भी हमारे पाकिस्तान और चाइना के जितने भी लोग हैं उनमें भी मजबूत फ्रेंडशिप जो है उनकी भी उसकी भी मजबूती के लिए और एक दूसरे के कल्चर को ज़्यादा समझने के लिए। और ये जो कुर्बानी थी ये बहुत ही एक अजीम कुर्बानी है, ये कोई भी नॉर्मल आम बंदा नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतने दूर से आके उन लोगों ने यहाँ पे काम करते हुए ये चीज़ की है, तो आपको पता है कि कहीं के भी लोग हैं अगर ये लोग वहाँ पे भी करते तो मुझे लगता है कि चाइना वाले भी सेम ऐसा ही करते जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को पता है कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन हैं काफ़ी टाइम से वो बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी ऐसा इवेंट हमारा कोई भी ऐसा दुख तकलीफ में हमेशा चाइना ने हमारा साथ दिया है, जैसे कि कोरोना वायरस में देख लें कि उन्होंने हमारे लिए कितनी ज़्यादा हेल्प की है, और इसी तरह हमारी भी ये कोशिश है कि हम लोग पाकिस्तानियों की भी हम लोग जो है हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ उसको जितना भी हम लोग ज़्यादा अच्छा और मजबूत कर सकते हैं हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और ये इवेंट्स ऐसे जितने भी हैं हम लोग ये इंशाल्लाह डेली बेसिस पे भी हम लोग ये लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और आने वाले टाइम में हम लोग ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन के जो लोग हैं वो हम लोगों की यही कोशिश है कि हम लोग पाकिस्तान और चाइना के कल्चर को और मजबूत करें, और इसको मजबूत करने के बाद और भी कल्चरल इवेंट्स भी करवाएँ और भी चीज़ें करें। तो बस मेरी तरफ से ये मैसेज है आप सब लोगों को कि काइंडली इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब में हमारा साथ दें, इसमें शामिल हों, ताकि इसकी वजह से हम लोगों का पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप भी मजबूत हो। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 今天我们怀着沉痛的心情来悼念我们的先烈们，我们的先烈为了中巴友谊而奉献了自己的生命，他们的精神已经感召着我们，今后我们必将为中巴友谊做出更大的贡献。谢谢大家。哎呀，我得看我给亚德卡 इतना खूबसूरत और साफ सुथरा संभालते हैं, इस पैगाम जो है ना हम चाइना का कौम को हम पूरा हम पहुंचाएंगे कि हमारे यहाँ पे जो शहीद हुआ जो लोग हैं उनको भी याद कर रहे हैं, इसका साथ साथ हमारा दोस्ती भी बढ़ता रहे। जैसा कि आपने कहा आज के दिन के हवाले से, आज का दिन ये अप्रैल के यकूम अप्रैल को चाइनीज़ ने जो 1968 1970 1974 में जो ये रोड बनाया शहराए रेशम, इस पे इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो इस कुर्बानी को हम जनाब हर साल याद करते हैं। इन्होंने इनके मेहरबानी से आज हम ये शहराए रेशम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा खंजर टॉप से लेके थाकोट तक इन्होंने उस वक्त रोड बनाया था, तो उस वक्त यहाँ इन्होंने कुर्बानी दी थी, इनके काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी थे जो कि चाइना यादगार के नाम से ये यहाँ क़याम हुआ था, तो इसके हम हर साल इनके याद करते हैं इनको। और आज इससे एक अच्छा बात ये भी हुई है कि अभी हमने यहाँ एक म्यूज़ियम बनाना है, चाइना एम्बेसी ने हमें कहा है कि यहाँ एक म्यूज़ियम बनाए जिसमें हमारे 1970 में 1978-72 के दौरान जो रोड बना है उसके कोई बेलचे कोई लेड़े कोई इस तरह की चीज़ें जो हम जमा कर रहे हैं उसके बाद हम यहाँ एक अच्छा सा म्यूज़ियम भी बना रहे हैं।